बायजूस एक ऐसी कंपनी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बायजूस दुनिया की टॉप एडटेक कंपनी है। आज बायजूस के अंदर हजारों लाखों स्टूडेंट बायजूस में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी बायजूस का 4500 करोड़ का लॉस क्यों है? बायजूस की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या बायजूस डूब जाएगी? आज हम बायजूस की फुल एनालिसिस करेंगे कि क्या बायजूस के अंदर अभी चल क्या रहा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको टाइम स्टेप दे दिए। तो चलो शुरू कर दे द राइस एंड फॉल ऑफ बायजूस। बायजूस की शुरुआत होती है साल 2003 में, जब विदेश से 2 महीने की छुट्टी पर बायजू रविंद्रन इंडिया आए और यहाँ पर वो अपने दोस्तों को MBA की तैयारी करा रहे थे। और बायजू रविंद्रन ने सोचा कि इन सबको मैं एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो चलो ना मैं भी एक पेपर दे ही देता हूँ। और बायजू रविंद्रन ने वो पेपर दे दिया और बायजू रविंद्रन को उस पेपर में 100% मिले और उसे यकीन भी नहीं हुआ कि मुझे 100% मिले। और उसने फिर से वो एग्जाम का पेपर दिया तो उसमें भी उसे 100% मिले। और यह जानने के बाद और भी लोग बायजू के पास पढ़ाई करने के लिए आने लगे और बायजू इतने पॉपुलर हो गए थे, जिसकी वजह से 2007 के अंदर तो उसकी क्लास भी चोटी पढ़ने लग गई थी सबको पढ़ाने के लिए। और बायजू रविंद्रन 8 से 9 शहरों के अंदर जाकर सबकी क्लास लेते थे और यह बहुत मुश्किल काम था, वो इतना सब कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से 2009 के अंदर वो वीडियो के जरिए सबको पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनके स्टूडेंट भी बढ़ने लगे, जिसकी वजह से बायजू रविंद्रन ने 2011 में थिंक एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ओपन की और उसका ब्रांड नेम अपने नाम के ऊपर से रखा बायजूस। और फिर उनका फोकस था 4th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराने का, इसलिए उन्होंने 2015 के अंदर थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। और ये ऐप बायजू के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसके पहले 3 महीने के अंदर ही 20 लाख स्टूडेंट आ गए थे इसके अंदर। और ये ऐप दिसंबर 2016 में प्ले स्टोर के अंदर बेस्ट इंप्रूवमेंट ऐप बन गया और इसकी वजह से 2016 में मार्क जुकरबर्ग की कंपनी और 4 वेंचर कैपिटल ने मिलकर बायजूस के अंदर $5 करोड़ इन्वेस्ट किए, यानी कि उस समय के 330 करोड़ रुपये होते हैं। और फिर तो बायजूस का रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2011-12 में 4 करोड़, 2015-16 में 120 करोड़, 2018-19 में डायरेक्ट 1430 करोड़ और 2022 के अंदर बायजूस का 10,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट था। लेकिन अब आते हैं बायजूस के लॉस के ऊपर। अब आप इस आंकड़े 2020 के एंड तक बायजूस का लॉस था 231.69 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड तक बायजूस का रेवेन्यू था 2,428 करोड़ और 2021 के एंड तक बायजूस का लॉस था 2x, यानी कि 4500 करोड़ से भी ज्यादा। बायजूस के अंदर इतना सारा लॉस क्यों हो रहा है? क्या बायजूस प्रॉफिटेबल बन पाएगी? आइए जानते हैं। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं बायजूस के प्रॉफिट से ज्यादा तो उसका लॉस हो रहा है, लेकिन 2014 के 2 साल पहले, यानी कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, वो तब एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, क्योंकि उसका 20 करोड़ का रेवेन्यू था तब और उनमें से 1.3 करोड़ उसका प्रॉफिट था। लेकिन अब आते यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर, तो बायजूस के लॉस के पीछे सबसे बड़ा आते उसके प्रमोशन, मार्केटिंग, टीचर्स की फी, एक्सपेंसिव पार्टनरशिप, स्पोर्ट इवेंट, उसके अंदर सबसे बड़ा लॉस बायजूस का होता है। और इनमें से टीचर्स की फी को हम हटा देते हैं क्योंकि वो तो देनी ही पड़ती है, इन सब के अंदर ही उसका ज्यादा खर्चा होता है। बायजूस ने ICC के साथ 130 करोड़ रुपए देकर 3 साल के स्पॉन्सर बने हैं, जिससे इंडियन जर्सी के अंदर बायजूस का लोगो आएगा, आपने देखा भी होगा। चलो ये तो ठीक है, ये बहुत कंपनियां करती है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, अनएकेडमी, क्रेड, टाटा, ये सभी लोग IPL के स्पॉन्सर बने हैं। और बायजूस ने 2017 से अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया है और शाहरुख खान को वो हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए देती है और एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के 1 करोड़ रुपए बायजूस देती है। और शाहरुख खान ने इतना ज्यादा बायजूस को प्रमोट कर लिया है, आप टीवी पर एड्स भी देख लेना, टीवी पर, यूट्यूब के अंदर, सभी जगह पर इसके एड्स आते हैं। और हाल ही में बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फुटबॉलर लियोन मेसी को बनाया है। And finally, Byju's has roped in Messi as the first global brand ambassador. और ये एक big marketing strategy थी, क्योंकि Byju's अच्छी तरह से जानता है कि हाल ही में FIFA World Cup होने वाला है और उसे देखने वाले total population के 3.5 billion लोग हैं, यानी कि आधी दुनिया में से थोड़े ही लोग कम है, यानी कि आधी दुनिया देखती है फुटबॉल को।
और फुटबॉल प्लेयर के अंदर भी सबसे टॉप प्लेयर यानी कि लियोन मेसी को ही उसने चुना, क्योंकि लियोन मेसी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह ही बहुत बड़े पॉपुलर है, क्योंकि लियोन मेसी को फेसबुक के अंदर 100 मिलियन फॉलोवर और इंस्टा के अंदर 400 मिलियन फॉलोवर होने ही वाले हैं। और बायजूस लियोन मेसी को अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए हर साल 5 से 7 मिलियन डॉलर देगा और इसकी वजह से बायजूस को लोग पूरी दुनिया में अच्छी तरह से जानने लग जाएंगे। लेकिन यही तो रीजन है बायजूस का डाउनफॉल होने का, क्योंकि बायजूस अपनी मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा खर्च कर देता है और हर जगह पर बायजूस का एड चलने लगता है, लेकिन वो इतना ही ध्यान अपने एम्प्लॉय यानी कि अपने टीचर का भी ध्यान नहीं रखता। और बायजूस ने हाल ही में ओस्मो, एपिक, टिंकर, व्हाइटहेड जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट अप, गेओ गैप्स और ऐसी 20 कंपनियों को एक्वायर किया है और उनमें से भी कई कंपनियों को पैसा देना बाकी है। अगर बायजूस ऐसी कंपनियों को एक्वायर करता रहा और हर जगह पर घूमता ही रहा तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से वो किसी एक कंपनी के ऊपर फोकस करे और उसे आगे ले जाए। अगर बायजूस अपनी मार्केटिंग जैसे कि फिजिक वाला अन अकेडमी की तरह कम कर देना तो भी वो 100% प्रॉफिटेबल बन सकती है। बायजूस पहले कम मार्केटिंग करती थी जिसकी वजह से उसके रजिस्टर्ड स्टूडेंट 2070 के अंदर 22 मिलियन थे और उसके पेड स्टूडेंट 1.7 मिलियन और धीरे धीरे ग्रोथ होती रही और 2022 आते तक रजिस्टर्ड स्टूडेंट 115 मिलियन थे और पेड स्टूडेंट 7.5 मिलियन हो गए। अगर वो मार्केटिंग की बजाय अपने स्टूडेंट और अपने टीचर के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे तो वो जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकती है। क्या बायजूस प्रॉफिटेबल बन पाएगी, यस या नो, आप कॉमेंट में दोस्तों जरूर मुझे बताएं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसे बिजनेस एनालिसिस और केस स्टडी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है बायजूस प्रॉफिटेबल बन पाएगी, यस या नो, कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं। तब तक के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।